नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीप आपका स्वागत करता हूं आईटी टेक्निकल गुरु के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो हमारी होने वाली है परमाणु से संबंधित और चालक के थोड़े बहुत क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं। आज की वीडियो में 20 क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो पे चलने से पहले इस चैनल को आप कर दीजिए लाइक, इस वीडियो को कर दीजिए आप लाइक और शेयर और सब्सक्राइब। और चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या है, परमाणु नाभिका की खोज किसने की थी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, परमाणु नाभिका की खोज किसने की थी। आइंस्टीन, डाल्टन, थॉमसन, रदरफोर्ड। तो क्या होगा राइट आंसर, रदरफोर्ड। ये जो सभी क्वेश्चन आज की वीडियो में लाया हूँ ये किसी ना किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछे हुए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन के आवेश की खोज किसने की थी। ऑप्शंस आपके सामने हैं, मिल्कन, चैंडविक, थॉमसन, रदरफोर्ड। तो राइट आंसर क्या होगा, मिल्कन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परमाणु में 9 इलेक्ट्रॉन, 9 प्रोटॉन तथा 10 न्यूट्रॉन है, तो उसका द्रव्यमान क्या होगा। तो फटाफट बताइए क्या होगा, 9, 10, 18, 19, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 प्लस 10, 19, ठीक है, 19 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तीसरे सेल में इलेक्ट्रॉन्स की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 32, 8, 18, 2। तो क्या होगा राइट आंसर, जानते हो आप KLMN वाला फॉर्मूला, 2, 8, 18, 32, ठीक है। या फिर आप 2n स्क्वायर भी लगा सकते हैं, 2 और कक्षाओं की संख्या की, यानी कि तीसरी कक्षा में तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 इंटू 2, 18। राइट आंसर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द परमाणु को किसने खोजा था। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, लगभग 70% लोग इस क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। शब्द परमाणु की खोज किसने की थी, डाल्टन ने, कनाद ने, लेविजियन ने या डेमोक्रेटिक्स ने। तो राइट आंसर क्या होगा, डेमोक्रेटिक्स ने की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा छठा, सामान्यता परमाणु के नाभिक में होते हैं, क्या होते हैं। सामान्यता परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन, केवल न्यूट्रॉन। तो ये तो किसी का गलत होना ही नहीं चाहिए, सभी को पता है पी और एन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सातवां क्वेश्चन, BIC का विस्तार क्या है, BIC का विस्तार क्या है। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, बेसिक इंटरमीडिएट लाइन, बाइंडिंग इनर लाइन, बेसिक इंसुलेशन लेवल, इनमें से कोई नहीं। तो सबको पता है क्या होगा, बेसिक इंसुलेशन लेवल, BIL। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और पूछे हुए हैं ये क्वेश्चन, सभी किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। चालक के बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, चालक के यानी कि कंडक्टर जो होगा उसके बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, ये पूछा गया है। 4, 4 से कम, 8 या 16। तो राइट आंसर क्या होगा, 4 से कम। 4 से कम अगर बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो चालक कहलाएगा। तो नेक्स्ट है, तांबा आम सबसे आम तौर पर इस्तेमाल होने वाला कंडक्टर है, क्योंकि क्यों उपयोग किया जाता तांबा सबसे ज़्यादा, इसमें उच्च चालकता होती है, इसके पतले तार बनाए जा सकते हैं, यह सिल्वर से सस्ता होता है, उपयुक्त सभी। तो सही है, इसके उच्च चालकता तो होती है इसमें और पतले तार भी बनाए जाते हैं और सिल्वर से सस्ता भी होता है, तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तांबे का गलनांक कितना होता है, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। तो 1083 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले, आप देख रहे हैं आईटी टेक्निकल गुरु का यूट्यूब चैनल, और इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और यदि अभी तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े रहें, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन कितने भारी होता है, 1845 गुना कम, 1845 गुना अधिक, 1846 गुना बराबर। तो क्या होगा, ए इज़ द राइट आंसर, इलेक्ट्रॉन है जो प्रोटॉन से 1845 गुना कम भारी होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी, वैसे तो मैंने आपको टेलीग्राम में बता दिया था कि हमारी जो वीडियो आएगी वो आएगी सोमवार, बुधवार और फ्राइडे यानी शुक्रवार, ये 3 दिन हमारी वीडियोस आएगी शॉर्ट क्वेश्चंस की, और टॉपिक मैं कवर करूंगा लगभग सभी टॉपिक। चांदी का गलनांक कितना होता है, पहले अपन तांबे का पढ़ा था 1083, तो चांदी का कितना होता है, चांदी का होता है 960 डिग्री सेंटीग्रेड, बी इज़ द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 13वां क्वेश्चन, परमाणु सामान्य अवस्था में कैसा होता है,
परमाणु सामान्य अवस्था में कैसा होता है। ये क्वेश्चन आपको ऐसे लग रहे हैं कि भैया इजी इजी क्वेश्चन लग रहे हैं, लेकिन जब ये क्वेश्चन सी लगभग 70% जाने जो कंपटीशन एग्ज़ाम होता है उसमें गलत करके आते हैं, 70% जाने यही क्वेश्चन गलत करके आते हैं। तो क्या होगा, ए इज़ द राइट आंसर, उदासीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां, अर्धचालक पदार्थ कौन सा है। ऑप्शंस आपके सामने यूरेका, एबोनाइट, मैग्नीन, जर्मेनियम। तो क्या होगा भैया, अर्धचालक पदार्थ जर्मेनियम होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने अर्धचालक पदार्थों के ही लेके आएंगे, पीएन पी टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक और पीएन संधि और अर्धचालकों से संबंधित क्वेश्चन लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक सक्रिय घटक कौन सा होता है, एक सक्रिय घटक कौन सा होता है, प्रारंभ करने वाला, रोकने वाला, संगारित्र या ट्रांजिस्टर। तो क्या होगा राइट आंसर, सक्रिय घटक जो होगा वो होगा हमारा ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर एक सक्रिय घटक है। एक निष्क्रिय घटक कौन सा है, एक निष्क्रिय घटक कौन सा है, डायक, डायोड, ट्रांजिस्टर या संगारित्र। तो राइट आंसर क्या होगा, संगारित्र इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 17वां, एक पदार्थ कब अतिचालक पदार्थ कहलाता है, एक पदार्थ कब अतिचालक पदार्थ कहलाता है। ऑप्शंस पढ़िएगा, जब प्रतिरोध का मान ऋणात्मक हो, जब प्रतिरोध का मान बहुत कम हो, जब प्रतिरोध का मान बहुत अधिक हो, जब प्रतिरोध का मान शून्य हो। तो राइट आंसर क्या होगा, जब प्रतिरोध का मान शून्य होगा तभी वो अतिचालक पदार्थ कहलाएगा, और ये लगभग बहुत कम होता है कि शून्य तो प्रतिरोध हो ही नहीं सकता, ठीक है, तो इसलिए अतिचालक भी नहीं होता। यदि कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खो देता है तब यह होता है विद्युत रूप से उदासीन, विद्युत रूप से धनावेशित, विद्युत रूप से ऋणावेशित, उदासीन आयन हो जाता है। तो क्या होगा, विद्युत रूप से धनावेशित हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खो रहा है तो धनावेशित, और इलेक्ट्रॉन अगर गेन कर रहा है तो क्या होगा, ऋणावेशित हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन अगर प्राप्त कर रहा है तो ऋणावेशित हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन खो रहा है तो धनावेशित हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप बढ़ने पर अर्धचालकों के प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ता है, ताप बढ़ने पर अर्धचालकों के प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो बी इज द राइट आंसर, घटता है, ठीक है, घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु रासायनिक संयोग से बने पदार्थ क्या कहलाते हैं। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो क्या होगा राइट आंसर, राइट आंसर ए इज द राइट आंसर, यौगिक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और 21वां क्वेश्चन और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन्स की कौन सी गति करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कौन सी गति करती है, चक्रण, अक्षीय, लंबीय गति, ए बी दोनों। तो राइट आंसर क्या होगा, ए बी दोनों, चक्रणीय गति भी करते हैं और अक्षीय गति भी करते हैं। अच्छा जी, एक क्वेश्चन और है, थोड़ी 22वां क्वेश्चन और आ गया आपके लिए, तांबे के परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तांबे के परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, 39, 49, 59 या 29। तो राइट आंसर क्या होगा, 29 इज द राइट आंसर। तो ये थी आज की वीडियो, आप देख रहे हैं आईटी टेक्निकल गुरु का यूट्यूब चैनल। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरीके की वीडियोस पाने के लिए, और शेयर कर दीजिए अपने मित्रों में दबा के इसी तरीके की वीडियोस पाने के लिए। इसका पीडीएफ आपको कहाँ में पे मिलेगा, इसका पीडीएफ आपको मिलेगा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर टेलीग्राम लिंक, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, कब मिलेंगे, अब बुधवार को मिलेंगे। तो दोस्तों, बाय।